ये है टाइम्स 18 न्यूज खबर आपके मतलब। कासगंज में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन हो रही वरदान साबित। जनपद कासगंज में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसके तहत हर तबके के लोगों को लाभ हुआ है। वहीं दूसरी ओर सरकार की इस योजना से दिव्यांग महिला लाभार्थियों को विशेष लाभ हुआ है। बढ़िया महसूस कर रहे हैं। ये शौचालय मिला है, ये जो नरेंद्र मोदी जी ने शौचालय बनवाए हैं वो हम सब लोगों के लिए बहुत बढ़िया काम किया है। ये प्रधान को जो दिया, प्रधान को जो ये बनवाने के लिए दिए हैं। हम लोग विकलांग लोग हैं जो पहले बहुत कष्ट उठाते थे, जो लेटरिन करने के लिए बाहर जाते थे मगर चल नहीं पाते थे। ये शौचालय बन के हम लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। जब ये शौचालय इतनी दूर जाते थे मगर चल नहीं पाते, गिर जाते थे या कहीं पानी भरा है तो दिक्कत आती थी, मगर जब से शौचालय बने हैं तब से घर पर भी शौच आराम से कर सकते हैं, इसलिए हम बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं। जहां एक ओर सरकार की यह योजना पात्रों को एक अमूल्य सौगात के रूप में मिली है तो वहीं दूसरी ओर दिव्यांग और महिला लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे हैं। लोगों को जहाँ शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था एवं इससे प्रदूषण फैलता था उस पर रोक लगी है। बरसात के दिनों में जहां दिव्यांग जन काफी परेशानी से जूझते थे और महिलाओं के साथ अनहोनी घटनाएं घटित होती थी उन पर रोक लगी है। हमारे कासगंज संवाददाता रोहतास कुमार ने जब जमीनी हकीकत जाननी चाहिए लोगों की सरकार की इस योजना के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली। साथ ही लाभार्थी सरकार की इस योजना की भूरी भूरी प्रशंसा करते नजर आए। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ सरकार में और ये योजना जो मोदी जी ने बनाई है जी, उससे मैं बहुत खुश हूँ। मतलब पहले जब ज़्यादा था मैं तब कहीं झांकरों में अटक जाता था, कभी कुआ कलर में गिर पड़ता, मैं बहुत भारी दुख था उस समय पर मेरे लिए। कहा नहीं जाता इसके बारे में, मोदी जी के बारे में कुछ कहा नहीं जाता इसके बारे में। बहुत ही अच्छी महसूस कर रहा हूँ, मतलब ये योजना बनाई है मोदी जी ने, बहुत अच्छी योजना है और इस योजना की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। आपको बताते चले कि कासगंज जनपद दिनांक 18 सितंबर को खुले में शौच मुक्त ODF घोषित हुआ था। कासगंज जनपद ODF घोषित होने से अलीगढ़ मंडल में प्रथम स्थान पर तथा प्रदेश में 8वें स्थान पर रहा। ये शौचालय मैंने प्रथम वरीयता दी है शौचालय के लिए गाँव में। ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो योजना चल रही है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जिसमें मैंने प्रत्येक पात्र परिवार को शौचालय दिया है। जो योजना गांव के ग्रामीणों को बहुत ही एक अच्छा वरदान साबित हो रही है। जैसे मेरे गांव में कुछ विकलांग और कुछ अंधे लोग भी हैं, तो जैसे एक अंधे लोग हैं रचपाल सिंह, उनको मैंने ये सर्वप्रथम वरीयता पर शौचालय दिया। तो पहले जब वो शौचालय शौच के लिए बाहर जाते थे तो उन्हें काफ़ी दिक्कतें होती थी, जब से मैंने उन्हें शौचालय दिया तब से वो उस शौचालय को एक वरदान साबित कर रहे हैं। और एक विनोद कुमार हैं जो पैर से लंगड़े हैं, उनको भी शौचालय दिया है, वो भी इस योजना को एक वरदान साबित कर रहे हैं। और 7 लोग मेरे गांव में कुछ अंधे थे और कुछ लंगड़े थे, ऐसे करके सब 7 लोग थे, उन 7 को मैंने प्रथम वरीयता पर शौचालय दिया। और 7 लोगों को ये योजना बहुत अच्छा वरदान साबित हो रही है। और बाद बाकी जो भी है, मेरे गांव में 177 शौचालय हैं अब तक जिनका काम पूर्ण हो चुका है। आने वाले समय में जो परिवार छूटे हुए हैं उन परिवारों के लिए सर्वे चल रहा है, उनको भी सारा शौचालय आवंटित किया जाएगा जैसे ही शासन से पैसा मिलता है। हमारा ज़िला जो है और हमारी ग्राम पंचायत, हमारी ब्लॉक व हमारा ज़िला 18 सितंबर 2018 को खुले में शौच मुक्त घोषित हुआ है।
वहीं हमारे संवाददाता रोहतास कुमार को जिलाधिकारी आरपी सिंह ने बताया कि बेसलाइन सर्वे में मात्र 1,93,534 परिवारों को शौचालय से आच्छादित किया गया है। इस कुप्रथा का अंत करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर 434 स्वच्छता ग्राही तथा 34 टीमों द्वारा योगदान किया गया। जनपद को खुले में शौच मुक्त कराने के लिए अधिकारी कर्मचारियों के साथ ही जनप्रतिनिधियों एवं जनमान्य का पूर्ण सहयोग रहा है। जनपद की 423 ग्राम पंचायतों के 647 राजस्व ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त कराया गया है। अभी भी जो शौचालय किन्हीं कारणों से अधूरे हैं उन्हें पूरा कराने के लिए शासन से 3 माह का समय दिया गया है। में जैसे हमने 9 गांव के जब दिव्यांग व्यक्ति से बात की तो वाकई में यह स्वच्छ भारत मिशन की योजना उनके लिए एक वरदान साबित हो रही है। इसी के तहत मेरे साथ बात करने के लिए इस समय है जनपद कासगंज के जिलाधिकारी। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आखिर यह योजना उनके नज़रिए से किस तरह से उन लोगों को वरदान साबित हो रही है। जी सर बताइएगा, दिव्यांग जो व्यक्ति हैं उनके लिए सर यही योजना उदयर एक वरदान साबित हो रही है, सर आपका क्या मानना है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यह शौचालय की व्यवस्था दिव्यांगों के लिए जो अंग से शिथिल हैं, किसी का आँख से नहीं दिखाई देता, कोई पैर से नहीं चल पाता, उसके लिए बाहर टॉयलेट जाना बहुत कठिन काम था। अब इस व्यवस्था से उन्हें घर पर यह सुविधा मिल जाती है। दुनिया भर की जो उनकी दिक्कतें होती थी सब खत्म हो गई है। सेम यही चीज़ महिलाओं और ये कह लीजिए कि लड़कियों के लिए ये वरदान साबित हो रही है। तमाम घटना दुर्घटनाएं जो होती थी वो बंद हो गई, इज्जत के साथ वो शौच का कार्य अपने घर पर कर लेती हैं। तो इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है कि शौचालय की व्यवस्था जो घर घर बन गई है विकलांगों के लिए, महिलाओं के लिए, इवन ओल्ड एज के लिए जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए निश्चित रूप से वरदान साबित हो रही है। बच्चों के लिए इस सेंस में वरदान साबित हो रही है, तमाम डिजीज़ जो बाहर खुले में शौच करने से होती थी, इसमें पल्स पोलियो एक था, ये सारी बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। पल्स पोलियो, मेजल्स, इस टाइप की बीमारियां जो पूर्व में यहाँ से जा चुकी हैं और वर्तमान में मेजल्स एंड रुबेला के अभियान चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इससे रिलेटेड थी। इन बीमारियों से हम हमारी पीढ़ी बचेगी और सब सुरक्षित अपने घर में शौच का वो ले पाएंगे, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, विशेषकर विकलांग बच्चों, बूढ़ों के लिए और हमारी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित शौच की ये व्यवस्था है, निश्चित रूप से वरदान है। मैं सर महिलाओं से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया सर कि जो शौचालय पर खेत में जाते समय सर जो छेड़छाड़ और दुराचार की घटना आती थी उन पर सर कहीं ना कहीं विराम लगेगा, आपका क्या मानना है सर? मैंने पहले ही कहा कि चूँकि हमारी लड़कियों को, महिलाओं को बाहर शौच के लिए जाती थी, तो दुनिया भर की जो शोधे हैं छीटा कसी करते, कभी कभी घटनाएँ दुर्घटनाएँ हो जाती थी। इज्जत बचाने के लिए उन्हें खेतों में जाना पड़ता था जहाँ पर ये घटनाएं दुर्घटनाएं अक्सर हो जाया करती थी। तो वो सारी घटनाएं अब रुक जाएंगी, बंद हो जाएंगी। इसी नाते हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन शौचालयों का नाम इज्जत घर रखा है और सब पर इज्जत घर लिखा गया है। निश्चित रूप से महिलाओं के लिए भी एक बहुत बड़ा वरदान है और इससे घटनाएँ रुकेंगी। तो बिल्कुल, यह थे हमारे साथ जनपद कासगंज के जिलाधिकारी आरपी सिंह जी, जिन्होंने बताया कि यह योजना एक वरदान साबित हो रही है। साथ ही जो महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ और जो दुराचार की घटनाएं जो खेत में जाते समय सामने आती थीं वो अब नहीं आएंगी, और जो 18 सितंबर के लिए हमारा जनपद खुले में शौच मुक्त कर दिया गया है, जिसके तहत 423 ग्राम पंचायतों में 647 राजस्व गाँव के लिए ODF घोषित किया गया है। वहीं अगर शौचालय की बात करें तो 1,93,534 लाभार्थियों के लिए शौचालय आवंटित किए गए हैं। कासगंज से टाइम्स 18 न्यूज के लिए रोहितास कुमार। ये है टाइम्स 18 न्यूज, खबर आपके